हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओम फोन सिन्हा मैथमेटिक्स। हम लोग कल एक्सरसाइज वन ही का सॉल्यूशन कर रहे थे, सेट थ्योरी, और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग सॉल्यूशन किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। रियली स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फोर और अग्रवाल बुक, आर एस अग्रवाल बुक वी आर फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया हुआ है? इफ यू इक्वल्स टू 1 to 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यूनिवर्सल सेट। ए इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8 और बी इज इक्वल्स टू 2, 3, 5, 7 2, 3, 5, 5, 7 ठीक है। तो वेरीफाई दैट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये वेरीफाई करने बोल रहे हैं, मतलब डी मॉर्गन्स लॉ। तो यू इज इक्वल्स टू दिस, तो पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी ए हम लोग देख रहे हैं 2 से स्टार्ट, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वो क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये यहाँ से हट जाएगा। तो 1 और 9 क्या गया मेरा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? 2, 4, 6, 8 इसको छोड़ के। तो 1, next 3, 1, 3, 5, 7, 9 ए आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 2, 3, 5, 7 इसको छोड़ देंगे, 2, 3, 5, 7 छोड़ देंगे तो मिलेगा क्या? 1, next 4, next 6, next 8, 9 इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 और 3 विल बी द कॉमन पॉइंट, 1 और 9 विल बी द कॉमन पॉइंट। तो वेरीफाई हो गया ठीक है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट हम लोग सेकेंड वन, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 2, only 2 तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब ए कॉम्प्लीमेंट तो मेरा निकल ही गया, बी कॉम्प्लीमेंट निकल गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वो क्या क्या होगा? 1, next 3, next 4, next 5, 6, 7, 8, 9 तो वेरीफाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव ए इज इक्वल्स टू ABC ए इज इक्वल्स टू ABC बी इज इक्वल्स टू BCDE
B is equal to B C D E. C is equal to C D E F. C is equal to C D E F. U is equal to universal set. Universal set is equal to A B C D E F. A B C D E F. तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए हम लोग को दिखाना है. तो ए कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे पहले. ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बी सी मतलब डी ई एफ. अब इसका कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब डी ई एफ का कॉम्प्लीमेंट. डी ई एफ अगर निकाल देंगे तो क्या मिलेगा? ए बी सी यूनिवर्सल सेट से डी ई एफ निकाल देंगे तो ए बी सी अगेन मिलेगा. This equals to A. ठीक है. Next, A union B whole complement. पहले A union B निकालेंगे. A union B मतलब A B C D E. A union B whole complement is equals to A B C D E. Only F. ठीक है. दैट्स इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स डी एफ. ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स डी एफ. बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मीन बी सी डी ई. बी सी डी ई तो ए और एफ. तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट्स इक्वल्स टू हाउ मच? एफ. तो वेरीफाई हो गया. नेक्स्ट और एक लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी. तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे पहले. ए इंटरसेक्शन बी हाउ मच? बी एस बी सी. ए इंटरसेक्शन बी हो गया मेरा बी सी. तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, A intersection B complement is equals to A D E F. A D E F. ठीक है. और A complement union B complement ये भी मेरा आएगा A D E F from these two sets. ए डी ई एफ तो वेरीफाई हो गया. ए भी दोनों वेरीफाई हो गया मतलब ये इससे वेरीफाइड और दिस विल बी वेरीफाइड टू दिस. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स गिवन दैट three example of set ABC such that A intersection B equal to phi, A intersection B equal to phi, B intersection C is equal to phi, B intersection C is equal to phi, A intersection C is equal to phi, or A intersection B intersection C is equal to phi. A intersection B is equal to phi. Next, B intersection C is equal to phi. Next, A intersection C is equal to phi. Next, A intersection B intersection C is equal to phi. तो हम लोग A एक सेट लेते हैं 1 2, B एक सेट लेते हैं 3 4, C एक सेट लेते हैं 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी वो फाइ आ गया, बी इंटरसेक्शन सी वो भी फाइ आ गया, सी ए इंटरसेक्शन सी वो भी फाइ. ठीक है. अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है,
तो पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी वो क्या आ जाएगा फाइव, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले हम लोग क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन बी करेंगे उसके बाद इंटरसेक्शन सी करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी वो क्या आ रहा है फाइव आ रहा है, अब फाइव सी का इंटरसेक्शन तो क्या आ जाएगा फाइव ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो सेट चूजन था वो हो गया। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे और एक क्वेश्चन पे, बोला है प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर सेवन, प्रूफ दैट ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी दैट इक्वल टू फाइव, ठीक है। ए माइनस बी, इसको ए माइनस बी इसको हम लिख सकते हैं, गौर से देखिए ए माइनस बी, तो ए माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बुक में शायद ये थ्योरम दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए माइनस बी कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर हम लोग बैठेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी, अब इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ बी का इंटरसेक्शन वो क्या आ जाएगा किसी भी सेट के, सेट का उसको कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन वो क्या आ जाएगा फाइव आता है, तो ए इंटरसेक्शन फाइव मीन्स फाइव, तो पहला वाला मतलब हो गया। नेक्स्ट हम लोग को बोला है ए यूनियन बी माइनस ए, ए यूनियन बी माइनस ए दैट्स इक्वल्स टू, ये मुझे प्रूव करने बोला ए यूनियन बी माइनस ए, ये मुझे प्रूव करने बोला है ए यूनियन बी, ओके ये मुझे प्रूफ करना बोला ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी, तो इसका हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए को लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखे ए माइनस बी को, तो ये बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी को, ठीक है। अब देखिए इसको तोड़ दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, तो ये हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी एज यूजुअल रख दें इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए ए से ए का कोई भी सेट का उससे यूनियन, उससे मुझे क्या मिल जाएगा यूनिवर्सल सेट यू, यूनिवर्सल सेट से सेट के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है ए यूनियन बी सेट से सेट का, मुझे क्या मिलेगा ए यूनियन बी ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट और एक रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं, और एक चीज हम लोग को वेरीफाई करने बोला है ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ये मुझे वेरीफाई करने बोला है, तो यहां से हम लोग ले सकते हैं ए माइनस बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एक स्टेप यूनियन दिस विल बी ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से ए को हम ले रहे हैं, ठीक है, तो ए को ले लिए तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट को हम लोग उठा दिए और ए इंटरसेक्शन हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किए, ठीक है, रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर यूज किए, ठीक है। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, बी यूनियन बी मतलब क्या यूनिवर्सल सेट आ जाएगा,
कोई भी सेट के यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन, कोई भी सेट का इंटर यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन, मतलब वो सेट खुद आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर थर्ड गया मेरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोला है, ए यूनियन बी माइनस बी, ए यूनियन बी माइनस बी इजिकल्स टू ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ए यूनियन बी माइनस बी हम लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इस लाइन को, किसके बाद तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी का बी से इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन, मतलब क्या आ जाएगा, फाइ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन फाइ मीन्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस। ठीक है, नेक्स्ट ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये भी प्रूव करने बोला है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी फिफ्थ वन, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। ठीक है, ये प्रूव करने बोला है, इसका हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं इसको, मतलब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, डी बाय डी मॉर्गन लॉ हम लिख नहीं रहे, आप लोग लिख दीजिए डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, बाय अप्लाइंग डी मॉर्गन लॉ। इसको तोड़ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स फाइ, फाइ यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दैट्स इक्वल्स टू ओनली ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेवन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हम टू क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर एट में क्या बोला है, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, एनी टू सेट ए एंड बी के लिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फाइव, that's equals to a is a subset of, that imply a is a subset of b, so this implies a minus b equal to phi, you can have a intersection b from complement ko a minus b likh sakte hain, that's this equal to phi, so a minus b equals to phi, theek hai। यहाँ इस लाइन से हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी इक्वल टू फाइव, इस लाइन से हम लोग लिख सकते हैं यस ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए माइनस बी इक्वल टू फाइव हो गया मेरा। ठीक है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, हम लोग प्रॉपर सबसेट, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड वन, सेकेंड वन ए प्राइम यूनियन बी, ए प्राइम यूनियन बी इज इक्वल्स टू यू, इंप्लाई करेगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है,
तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहां पर ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू, यहां से ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यू, हम लिख सकते हैं इस लाइन से, दिस लाइन, फ्रॉम दिस लाइन। तो दिस ए ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी दैट्स इक्वल टू ए के साथ यू का इंटरसेक्शन, मतलब ए खुद आएगा। अब ए के साथ ए का इंटरसेक्शन मीन्स ओनली फाइ, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी दैट्स इक्वल्स टू ए, फाइ के साथ यू का, फाइ के साथ ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन मीन्स ओनली ए इंटरसेक्शन बी दैट्स इक्वल्स टू ए। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, दिस इम्प्लाई ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम लोग एक्सरसाइज 1A का फुल सॉल्यूशन कर दिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1F है उसके लिए भी हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो। टिल देन डू सब्सक्राइब प्लीज़, कीप वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू।